सोन सॉफ्टवेयर में बीएमसी मशीन कैसे ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो ओआईटी मतलब टर्निंग मशीन, ओआईएम मतलब होता है मिलिंग मशीन, एम मतलब मिलिंग मशीन। तो देखिए फानुक का मॉडल ओआईएम मॉडल हम मिलिंग मशीन ओपन करते हैं, इस पे करके रन करेंगे। तो बीएमसी मशीन ओपन हो गई, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ ओके करेंगे और इसको हम इधर सेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाइट दिखा रहा है, मींस इमरजेंसी लगी हुई है, तो इमरजेंसी रिलीज करेंगे रीसेट। इसके में इसको मिनिमाइज करते हैं जिससे शो हो। तो देखो मशीन का जो मेन पार्ट है, मैगजीन, एटीसी आर्म, स्पिंडल, बेड एंड, ये बेड है और ये फिक्चर है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम देखेंगे कि बेड के ऊपर ये फिक्चर में जॉब कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से जाएंगे वर्कपीस, वर्कपीस सेटअप में, या ये ऑप्शन यहां भी मिलेगा वर्कपीस में, देखो ये। तो वर्कपीस सेटअप में जाते हैं और यहां से स्टॉक साइज। तो सबसे पहले चीज होती है कि हमारा वर्क कोऑर्डिनेट किस में है, तो देखो G53 से लेके G59 तक। तो हम देखो G54 में अपना वर्क कोऑर्डिनेट किए, उसके बाद इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए हम 200 करना चाहते हैं, 200 और 50 mm इसकी लेंथ। देखो अभी पहले हम बॉक्स सेलेक्ट करना सीखते हैं, कोई बॉक्स वर्क पीस हो तो ऐसे वर्क पीस के लिए। इसके बाद होता है वर्क पीस मेटल, मेटल कौन सा होगा। यहां से हम देखो ग्रेड के साथ मेटल दिया है 15 लो कार्बन स्टील। इसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस वर्क पीस, यहां पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हम ओके करते हैं तो ये वर्क पीस चेंज हो जाएगा। देखो वर्क पीस की लेंथ हो गई 200 mm की, इसकी चौड़ाई हो गई और 50 mm की इसकी थिकनेस। देखो वर्क पीस स्टॉक साइज। अब देखो ये तो बॉक्स था, लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल जॉब, सिलेंड्रिकल जॉब में इसका डायमीटर और इसकी हाइट। देखो इसका डायमीटर, इसका डायमीटर हम कर देते हैं 150 और इसकी हाइट जो है 50 mm। देखो यहां रिप्लेस वर्क पीस करेंगे, ओके ये पीस देखो सिलेंड्रिकल जॉब हो गया, डाया हो गया और इसकी हाइट हो गई। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स, बॉक्स एक सेलेक्ट किया 150, 150 और 50 mm की रिप्लेस वर्क पीस करके हमने ओके किया। देखो ये वर्क पीस चेंज हो गया। तो आज हमने देखा इसमें वर्क पीस कैसे लगाते हैं, अब हम देखेंगे वर्क पीस का क्लैंप। तो देखो तीन ऑप्शन है, स्टेप क्लैंप, एज क्लैंप। देखो स्टेप क्लैंप में देखो ऊपर से क्लैंप लगे हुए हैं, तो देखो डबल क्लैंप है या फोर्थ क्लैंप है टू साइड से, या फोर्थ क्लैंप फोर्थ साइड से है, साइड से है, ये जो ऑप्शन लोगे आप वो। देखो ये फोर क्लैंप लग गए वर्क पीस पे। दूसरा ऑप्शन देखिए वर्क पीस क्लैंप में ही एज क्लैंप, एज क्लैंप पे देखो एज खाली क्लैंप होगी, वर्कपीस पूरी तरह से शो होगा। तो देखो यहां से हम फोर क्लैंप करके या टू क्लैंप करके, देखो फोर फोर क्लैंप फोर साइड से करके हम ओके करते हैं। देखो वर्कपीस क्लैंप हो गया, ऐसे ही सिलेंड्रिकल जॉब के लिए भी होगा। अब वर्कपीस लोकेशन, देखो वर्कपीस लोकेशन ये बेड दिया है, ये बेड का साइज है। देखो अभी वर्कपीस बेड पे सेंटर में बताया है, सेंटर में बताया है। तो देखो 100 mm इधर, 100 mm इधर, 100 100 करके
अब देखो सेंटर में है तो देखो यक्ष में अगर हम यहां पे प्लस करते हैं, देखो एक एमएम, देखो वर्कपीस से चेंज होगा, देखो यक्ष में वर्कपीस प्लस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमें बेड पे वर्कपीस की लोकेशन डिसाइड करनी है कहां पे करनी है तो हम यहां से कर सकते हैं, अगर माइनस करोगे तो माइनस की तरह। ये तो एक एमएम जा रहा है, देखो 10 एमएम प्लस करना है तो 10 का, माइनस करना है तो इधर से, और अगर 100 करना है तो 100, माइनस करोगे तो माइनस की तरफ। ऐसे वाई में भी देखो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस में माइनस में वर्कपीस बेड पे। अगर यहां हम जीरो कर दें और ये भी जीरो कर दें तो वर्कपीस हमारा बेड पे सेंटर में है। और अब देखो रोटेशन की बात करेंगे, यहां पे रोटेशन देखो इस वर्क पीस को बेड पे हम एक बार ओके करके देखते हैं, देखो सेंटर में आ गया। अगेन ऑप्शन ओपन करते हैं वर्क पीस लोकेशन, तो ये डायरेक्शन प्लस माइनस समझ में आ गया, वाई में प्लस माइनस समझ में आ गया। अब रोटेशन की बात करते हैं, ये जो हमारा फिक्चर है बेड के ऊपर कितने डिग्री के रोटेशन पे लगा है, देखिए प्लस करेंगे तो ये रोटेट हो रहा है, प्लस में रोटेट हो रहा है एंगल एंटी क्लॉकवाइज, वर्कपीस रोटेट हो रहा है। अब देखो माइनस में वर्कपीस एंड क्लॉकवाइज के रूप में, और अगर हम 10-10 एंगल का करना चाहते हैं, 10 एंगल का झुका हो तो देखो ये वर्कपीस रोटेट हो रहा है, माइनस करोगे तो माइनस डायरेक्शन में, और अगर 90 में हम वर्कपीस को रोटेट करना चाहते हैं, देखो ये 90 में रोटेट हो रहा है तो पता नहीं चल रहा आपको, लेकिन ये वर्कपीस, तो हम इसको जीरो कर देते हैं मतलब ओके की। तो ये था वर्क स्टॉक साइज, जिसमें हम बॉक्स है या सिलेंडर है, वर्क कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, और वो किस मेटल का है, वो मेटल सेलेक्ट करते हैं और हम वर्कपीस रिप्लेस करते हैं तो वर्कपीस रिप्लेस होता है, और अगर सिलेंड्रिकल जॉब है तो उसका डायमीटर क्या है, उसकी हाइट क्या है, वर्क कोऑर्डिनेट और मेटल सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, वर्कपीस का क्लैंप कैसे होगा, स्टेप क्लैंप होगा या एज क्लैंप होगा या वाइस क्लैंप होगा। तो देखो बेंच वाइस में, वाइस क्लैंप में क्या होगा, ये बेंच वाइस में पी पार्ट लग गया। इसके बाद तीसरा वर्कपीस का, वर्कपीस की लोकेशन बेड के ऊपर कहाँ है, तो देखो यहां से ये प्लस में जा रहा है एक्स में और माइनस में, इसी तरह वाई प्लस में और वाई माइनस में। अगर आप 10-10 mm करना चाहते हैं, 100 mm करना चाहते हैं तो ऑप्शन दिया है, और रोटेशन वर्कपीस का रोटेशन बेड के ऊपर आप पिक्चर को किसी एंगल पे आप बांध सकते हो, अदरवाइज ये जीरो करके आप ओके करोगे तो सेंटर में वर्कपीस। तो ये था वर्कपीस सेटअप।